दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ मेरे को यहां पे 3 महीने हो गए मैं पीआर में आई थी मिलने के लिए मेरी माँ से तो फंस गई मैं यहां पे लॉकडाउन की वजह से आज 3 महीने हो गए इतनी दिक्कत हो गई थी फिर बाद में भैया ने खूब मदद करी हमारी खाने पीने को भी मिल रहा था टाइम पे बराबर और अच्छी सुविधा हुई फिर मैंने इनको अर्जी दी थी मेरे को जाना ससुराल रतलाम तो इनने ऑनलाइन करवाया मेरा और अच्छे से ध्यान रखा हमारे खाने पीने का और रिजर्व वो करवाया इनके टिकट का बंदोबस्त भी कर मनीष भैया किस तरह की सुविधा मिली आपको अच्छी सी सुविधा मिली हमारे को खाने पीने को हर चीज़ से सुविधा मिली ये करवाया हमारा रिजर्वेशन और जाने के लिए भी अच्छी सुविधा करी हमारे को कब की ट्रेन है आपकी कल की है कल आने जाने की सुविधा भी भैया ने करवाई सब भैया ने करवाई हमारे को तो यहाँ कहाँ रह रहे थे यहाँ मेरे पियर में रह रही थी आतिबाटा पावरोस राजेंद्रपुरा क्या करते हैं यहाँ पे मैं कुछ नहीं करती हूँ घर पे रहती हूँ आपका ससुराल किस जगह ससुराल मेरा रतलाम है अर्जुन नगर अच्छा कौन कौन है आपके साथ मेरे ससुराल में तो मेरी सास भी है सब सा, मतलब सास यहाँ से जाने वाला कौन कौन है मैं हूँ और मेरा एक लड़का है सबों की टिकट करवा दी सबने सबकी टिकट करवा दी मेरी भी टिकट करवाई मेरे लड़के की भी टिकट करवाई आपका हाँ मेरा नाम सजनी है ये एक महिला करीब 42 वर्षीय महिला है और उनका बेटा है करीब 14-15 साल का वो करीब जब से लॉकडाउन हुआ अपने घर आए थे राजेंद्रपुरा साधु बस्ती के अंदर साधु समाज के हैं तो वो करीब 70 दिन से अटके हुए थे यहाँ पे तो उनके खाने पीने की पूरी सुबह शाम की सारी व्यवस्था हमने करी प्लस कल पहली ट्रेन जारी है जयपुर से तो अजमेर से चूँकि कोई रतलाम के लिए ट्रेन नहीं थी रतलाम की थी तो हमने जयपुर से ट्रेन कराई है जयपुर से हम अपनी तरफ से इनको टिकट करा के दिया है रिजर्वेशन इनका और इनके पुत्र का हमने करा के इनके हाथ में दिया है प्लस हमने यहाँ से जयपुर भेजने की भी इनकी पूरी व्यवस्था करी है प्लस इनके खाने पीने की भी व्यवस्था पूरी इनको पैक करके दी जाएगी जिससे ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने तक इनको किसी तरह की मतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़े कितने लोग हैं ये 2 जने ये और इसके बेटा कब ट्रेन इनकी इनकी ट्रेन कल 2 बजे की है जयपुर से कल सुबह हम इनको करीब 8-8:30 बजे बस द्वारा अजमेर बस स्टैंड से जयपुर भेजेंगे फिर वहाँ से ये 12 बजे के आसपास करीब वहाँ पहुँच जाएंगे फिर वहाँ से 2 बजे इनकी ट्रेन रवाना होगी इनका स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन कराया हमने अनिश मोयल पार्षद वार्ड 51